नमस्कार मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और उनसे भी कई हजार गुना ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में वृश्चिक राशि वालों, अब हो जाइए तैयार एक बड़ा बदलाव के लिए। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे 300 साल बाद हुए किस्मत मेहरबान, अब खुलेगा आपका बंद किस्मत का ताला। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से अब आपका वर्तमान बहुत भविष्य सब बदलने वाला है। जी हां, क्योंकि एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। दोस्तों, खुशखबरी सुनकर आपकी प्यास बुझेगी, पूरे मोहल्ले में आपका नाम गूंजेगा, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जीत की माला आपके गले चढ़ने वाली है। जी हां बेटा, अब चिंता मत करो, क्योंकि एक दिव्य शक्ति का हाथ आपके सर के ऊपर पड़ चुका है। अब आपके जीवन में लाभ ही लाभ होंगे, खुशखबरी सुनकर आप खुशी से उछल पड़ोगे। जी हां, एक प्रकार से यूं कहे कि कामयाबी देखकर लंगड़ा भी एक पैर पर नाचे लग जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही खास जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले यदि आप भगवान शनिदेव जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज जय हो, दंडाधिकारी जय हो, कर्म फल दाता जरूर लिखिएगा। भगवान शनिदेव जी घर बैठे बैठे आपको राजा बना देंगे, एक प्रकार से यूं कहे कि करोड़पति बना देंगे, तो आप जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है कि पूरे 300 साल बाद आपकी किस्मत मेहरबान हुए हैं, अब आपको राजा बनने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता। जी हां, पर यह बात मैं फुल गारंटी के साथ लिख कर देता हूं। दोस्तों, अगर मेरी यह भविष्यवाणी गलत हो गया तो मैं पूरे 10 लाख रुपए का जुर्माना दूंगा, क्योंकि आपकी किस्मत आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी है। कहते हैं ना, किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अब इस राशि के जितने भी जातक हैं सभी के जीवन में तरक्की होने वाले हैं, सभी लोग बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। दोस्तों, दिन खराब होती है, जिंदगी नहीं। इसलिए कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मायूस मत होना। किस्मत जब मेहरबान होती है ना, तो राजा बड़े बड़े महाराज को भी पीछे छोड़ने में देर नहीं लगती है। अब आप दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनोगे, सबसे शक्तिशाली इंसान बनोगे और आपके पास सब कुछ होगा, गाड़ी बंगला घर नौकर शाहकर बैंक बैलेंस, यानी कि जिस चीज की आपको जरूरत थी वह सभी चीज अब आपको एक एक करके मिलने वाला है। बस आप खुद को सही रखना, गलत रास्ते का चुनाव मत करना। जिस तरह से आप सही रास्ते पर चल रहे हैं ऐसे ही कंटिन्यू सही रास्ते पर चलते रहे, क्योंकि जो इंसान सही रास्ते पर चलता है उनके दिन भले खराब हो सकते लेकिन किस्मत कभी खराब नहीं होती है। किस्मत और मौसम कभी भी बदल सकता है, इसको बदलने में देर नहीं लगता है। इसलिए कभी किसी को छोटा समझकर, कभी किसी को गरीब या कमजोर समझकर जलील मत करना, क्योंकि ऊपर वाले सबकी चेहरे को याद रखते हैं और जो जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल मिलता है। जो आप एक दूसरे को दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह पैसा हो, धन दौलत हो, इज्जत हो, मान सम्मान हो या फिर धोखा हो। देने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, अगर बात समझ आ रही है तो बोलिएगा। हां, चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। संपूर्ण वीडियो ग्राहक गोचर पर आधारित है, 100% सटीक भविष्यवाणी करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम और सभी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, पूरे 300 साल बाद आपकी किस्मत मेहरबान हुए हैं। आप अपने जीवन काल में जितना दुख दर्द देखे हैं और झेले हैं उन सभी का अब निवारण होने वाला है। दुख दूर होंगे और सुख आपके जीवन में आगमन होगा, यानी कि एक प्रकार से यूं कहें कि खुशियों का आगमन होने वाला है, या यूं कहें कि आगमन हो चुका है। दोस्तों, विधाता का लिखा कभी बदला नहीं जा सकता। खुशियां और सुख समृद्धि धन वैभव अब आपके दरवाजे पर दस्तक देगी, क्योंकि आपके किस्मत का ताला खुल चुका है। अब आप धन दौलत से मालामाल होने वाले हैं। दोस्तों, बता दें कि भगवान किसी को भी उदास नहीं करते हैं। यदि आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो भगवान आपको कभी भी नाराज नहीं करेंगे। दोस्तों, बता दें कि भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से अब आपके बरसों का सपना पूरा होगा। दोस्तों, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, इसलिए इस मौके को हाथ से जाने मत देना। और हां, बता दें कि इससे बड़ी खुशखबरी आपको कभी नहीं मिलेगी, ढोल और नगाड़ा दोनों बजाने की नौबत आ गई है। दोस्तों,
अच्छे कर्मों का अच्छा ही फल मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। भगवान शनि देव जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में खुशियों की लहर दौड़ने वाली है। जी हाँ, क्योंकि शुरू हो चुका है, शुभ समय शुरू हो चुका है आपके भाग्य का खेल। और जब भाग्य का निराला खेल शुरू होता है ना, तो इंसान को मालामाल बना देता है। अब आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। अब आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि पूरे मोहल्ले में आपकी चर्चा होगी। जी हाँ, आपकी किस्मत का सबसे बड़ा तोहफा मिलेगा। सच्चाई सुनकर होश उड़ जाएंगे। आपके बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि फूटी से फूटी किस्मत अब चमकने वाली है। बहुत ही खास वीडियो है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भगवान शनि देव जी ने आपकी बंद किस्मत के ताले को खोल दिया है। जी हाँ, अब आप अपने जीवन में जितना चाहो उतना तरक्की करो, जितना चाहो उतना आगे बढ़ो। कोई भी दुश्मन, कोई भी शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि पिछले समय में दुश्मनों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, आपको बहुत परेशान किया है, बेवजह आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर आपको बेइज्जत किया है, आपके कार्य में अड़ंगे डाला है। आपके साथ जो जो कर्म हुआ है, ऐसा किसी दुश्मन के भी साथ ना हो, क्योंकि आप बहुत दुख तकलीफ झेले हैं और यह दुख तकलीफ लोगों ने बेवजह आपको दिया है। इसमें आपका कोई भी गलती, कोई भी दोस्त नहीं था, फिर भी लोगों ने आपके साथ ऐसा किया। लेकिन कहते हैं ना, सबका मालिक एक है, वही ऊपर वाला। जी हाँ, ऊपर वाला भगवान सब देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। हमारे गुरु जी कहते थे कि किसी से डरो या ना डरो, लेकिन अपने कर्मों से एक बार जरूर डरना, क्योंकि भगवान तो माफ कर देते हैं लेकिन कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। अरे मूर्ख, तो वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर देखा होगा वही जो तू चाहता है। इंसान रोज अपनी दौलत गिनता है कि कल कितनी थी और आज कितनी बढ़ गई। ये सब देखकर ऊपर वाला ईश्वर हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है कि कल कितनी थी और आज कितनी कम हो गई। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, गुरुजी आपने एकदम सही कहा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, शुभ समय में किया गया कार्य शुभ फल देता है, उचित परिणाम मिलता है, और वही अशुभ समय में किया गया कार्य अशुभ फल मिलता है, यानी कि अनुचित परिणाम। ऐसे में कौन सा समय आपके लिए शुभ है और कौन सा समय आपके लिए अशुभ है, यह सब कुछ बताएगा आपका राशिफल। जी हां, इस राशिफल के जरिए हम जान सकते हैं कि आने वाला समय हमारा कैसा रहेगा। इस आने वाले समय में हमारे साथ कौन सी बड़ी घटना होगी, कौन कौन से लाभ होगी और कौन कौन से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए यह राशिफल बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभदायक होता है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ग्रह गोचर एवं आपके चंद्र राशि के आधार पर बताएं। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आप बहुत बड़ी विजय प्राप्त करोगे, बहुत बड़ी जीत हासिल होगी, जिससे आपके गले में जीत की माला होगी। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब मालिक बनने का समय आ गया है। अब आप नौकर नहीं, सीधा मालिक बनोगे। राजा की कुर्सी यानी कि राज सिंहासन पर बैठकर राजा बनोगे, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने दे दिया है बहुत बड़ा आदेश। अब आप भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से बहुत आगे तक जाओगे और आप अपने जीवन में ही खूब सारा तरक्की करोगे, खूब सारा धन दौलत रुपया पैसा कमाओगे। जी हाँ, इसलिए सभी कामों को छोड़कर सारे महत्वपूर्ण कार्यों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दें और आज की वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। जो भी बात बताएंगे, यह सभी बात आपके जीवन में ही 100% सटीक बैठने वाली है। एक भी बात अगर झूठ निकली या फिर गलत हुआ, तो आप जो कहोगे वह करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि खगोलीय विश्लेषण तथा पंचांग गणना करने के बाद आज की है वीडियो आपकी फायदे के लिए बनाए हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ लाभ होगा। जी हाँ, मेहनत कम और लाभ ज्यादा। पहले आपके जीवन में ऐसा होता था कि आप मेहनत ज्यादा करते थे और लाभ कम होता था, लेकिन ऐसा अब आपके जीवन में नहीं होगा। अब आपको कम मेहनत में बड़ी सफलता मिलेगी। जी हाँ, चाहे वह किसी भी क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, करियर का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या बिजनेस का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में आपको लाभ होगा।
आपको विशेष सफलता मिलेगी। जी हां, क्योंकि इस समय ग्रह गोचर में कई ऐसे शुभ संयोग निर्मित हो रहे हैं जिसका शुभ प्रभाव सीधा सीधा आपकी राशि वालों के जीवन पर पड़ने वाला है। अब आप हर एक क्षेत्र में जीत हासिल करोगी, चाहे वह नौकरी हो या फिर कोर्ट कचहरी का मामला, सब जगह आपकी जीत होगी और आपके दुश्मन परस्त होंगे। आपके दुश्मनों की बोलती बंद हो जाएगी, आपका दुश्मन अब आपके सामने बोल भी नहीं पाएंगे, आंख उठाकर नजर से नजर मिलाकर बात भी नहीं कर पाएंगे। जी हां, ऐसा भाग्यशाली जीवन आपके जीवन में आ गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत समय पश्चात भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आपकी कुंडली में तरक्की के योग दिखाई दे रहे हैं, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, जिससे कि अब आपको काफी बड़ी मात्रा में धन मिलेगा और आप अपने जीवन में रफ्तार के साथ आगे बढ़ोगे, तरक्की पर तरक्की करते जाओगे। जी हां, अब आपकी बिगड़ी से बिगड़ी किस्मत सुधरने वाली है, लेकिन अब आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि आपके पीछे कुछ दुश्मन लग चुके हैं। वह आपको परेशान करने के लिए डरने की कोई बात नहीं है, वह आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, सिर्फ परेशान ही कर सकता है, वह भी अगर आप मेरे द्वारा बताए गए बातों पर चलेंगे, कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखेंगे, कुछ सावधानी बरतेंगे, तो वह लोग आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, दुश्मन कभी नहीं चाहती हैं कि आप उनसे आगे बढ़े, आप उनसे ज्यादा तरक्की करें। आपका दुश्मन हर वक्त एक नया षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन आप देवी देवता के प्रिय हैं, आप सभी देवी देवताओं को मानते हैं, भक्ति भाव रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसीलिए वे लोग अभी तक आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं और आगे भी आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। जी हां दोस्तों, भगवान से हम आपके लिए बस इतना ही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, आपकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे, आपके जीवन में खुशियां आजादी ऐसे ही बरकरार बनी रहे। भगवान, आप सभी का भला करना, इसलिए वीडियो को आधा अधूरा मत देखिएगा। अगर आपको अपने जीवन की सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान श्रीहरि जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में बहुत बड़ी धमाकेदार खुशखबरी एंट्री देने वाली है। अगले 24 घंटे के भीतर बहुत बड़ी दमदार खुशखबरी आपको मिलने वाली है, क्योंकि दो बड़ी खुशखबरी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है और यह खुशखबरी अगले 24 घंटे के भीतर किसी भी हाल में आपको मिलकर ही रहेगा। दोस्तों, इस खुशखबरी से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा धन लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपके भाग्य के सभी दरवाजे खुल चुके हैं। इतना मां भाग्य सारी समय आपके जीवन में फिर दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा कि वीडियो को मिस करने की भूल मत करना। जी हां, क्योंकि ग्रह नक्षत्र की छाल के हिसाब से आज की यह वीडियो आपके लिए खास, आपके फायदे के लिए निर्माण किया गया है। दोस्तों, वीडियो आगे की शुरू करें, सबसे पहले भगवान श्री हरि जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से, सच्चे तन मन से, सच्चे हृदय भाव से जय श्री हरि विष्णु जी, जय मैया लक्ष्मी जी जरूर लिख दें। दोस्तों, जो भी वक्त भगवान श्री हरि विष्णु जी को सच्चे दिल से मानते हैं, वही लोग नीचे कमेंट बॉक्स में उनका नारा लगाएंगे, नास्तिक लोग। मेरे वीडियो से दूर ही रहना दोस्तों, किस्मत के घोड़े अचानक ही दौड़ पड़ेंगे। पूरे 36 साल बाद किस्मत मेहरबान हुई है, अब आपका एक नया इतिहास शुरू होगा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सूर्य ने बदली अपनी चाल, जिससे कि आपकी किस्मत अचानक ही दौड़ पड़ेंगे, वह भी घोड़े से भी तेज रफ्तार। जी हां दोस्तों, हाल ही में सूर्य ने अपना बड़ा राशि परिवर्तन किया है, अब इसका सकारात्मक प्रभाव सीधा सीधा आपके ऊपर पड़ता दिखाई दे रहा है। जी हां, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ग्रहों के राजकुमार भगवान सूर्यदेव जी हैं और सूर्यपुत्र न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी हैं, इसलिए अब आपकी राशि के ऊपर दो बड़े देवता का नजर पड़ने वाला है। जी हां, इसलिए अब आप हो जाइए तैयार, क्योंकि ग्रहों की राजकुमार भगवान सूर्यपुत्र शनिदेव जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आज तक आपके जीवन में ऐसा समय नहीं आया होगा। जी हां, आप खुद कहेंगे ऐसा शुभ समय हमारे जीवन में पहली बार आया है। जी हां, क्योंकि ऐसा भविष्यवाणी आज तक किसी ने नहीं किया होगा और ना ही ऐसा भविष्यवाणी आप अपने जीवन में कभी देखा होगा।
क्योंकि आपकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाले हैं। क्योंकि यह जो घटना होने वाली है यह कोई साधारण घटना नहीं है, आपकी जिंदगी में पहली बार ऐसा घटना होगा। अगले 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी खुशखबरी, इतना बड़ा सरप्राइज आपको मिलेगा और आप कहेंगे हे भगवान, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, इतनी बड़ी खुशखबरी हमारे झोली में डाल दी, मैं इसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। इतनी बड़ी खुशखबरी अगले 7 जन्मों तक याद रहेगा प्रभु, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में एक ऐसा महादौर शुरू होने वाला है जिसका आनंद आप और आपके पूरे परिवार मिलकर उठाओगे। जी हां, जिंदगी आपकी संवर गई, क्योंकि इस समय ऐसा घटना आपकी जिंदगी में होगी जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठोगे। बसरते आज की वीडियो को एकदम अकेले में ही देखना, अपने घर में कुंडी लगाकर वीडियो देखना, आपकी जिंदगी बदलने वाली है, आपके जीवन में 4 चांद लगने वाला है। जी हां, क्योंकि मां तारा चंडी जी के आशीर्वाद से, मां कालिका जी के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी कमल के फूल की तरह खिल उठेगी। जी हां, अब आप सभी के दिलों में राज करोगे, क्योंकि अब आपके जीवन में ऐसा समय आने वाला है, आपकी जिंदगी में ही दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। जी हां, इतना भाग्यशाली समय आपके जीवन में आ गया है, इसलिए इस भाग्य सारे समय को आप यूं ही जाने मत दीजिएगा। दुनिया का वह सबसे महामूर्ख ही होगा जो इस वीडियो को नजरअंदाज करेगा और इस भाग्यशाली समय को हाथ से जाने देगा, क्योंकि अब आप रातों रात मालामाल होने वाले हैं, रातों रात करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने वाले हैं, क्योंकि भगवान आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। भगवान ने बहुत बड़ी संपत्ति आपका नाम करने वाले हैं, क्योंकि अचानक तेज हो गई आपकी किस्मत। जी हां, अचानक ही घोड़े के जैसी दौड़ पड़ेगी। आपकी किस्मत देखने वालों को भी 440 वोल्ट का झटका ना लगे तब कहना, लेकिन हम आपसे दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे प्यारे मित्रों, यह राज की बात किसी को बताइएगा मत, वरना यह लाभ आपको नहीं मिल पाएगा और आप कहोगे हमारी किस्मत खराब है। आप अपनी किस्मत को दोष दोगे और खाओगे, भगवान मेरी परेशानियों को देखा नहीं है। और कुछ लोग तो ये भी कहने लगते हैं कि गुरु जी की भविष्यवाणी सच नहीं होती है। दोस्तों, भविष्यवाणी सच तभी होगा, आपको लाभ तभी मिल पाएगा जब आप वीडियो को देखोगे, वीडियो में बताई गई सभी बातों को ध्यान से सुनोगे, एक एक बातों पर गौर करोगे, अच्छे से सुनोगे, अच्छे से समझोगे, जो उपाय हम बताते हैं उपाय को ध्यान से करोगे, तभी ना आपको लाभ मिल पाएगा। जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि हम वीडियो में जो भी उपाय बताते हैं वह सभी उपाय बिल्कुल फ्री होता है, बिल्कुल मुफ्त होता है, उपाय में आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा और लाभ इतना जबरदस्त होगा कि आप भी खाओगे कि हाँ, गुरुजी ने बहुत ही अच्छा उपाय बताए। तो अपने दिल थाम कर बैठिए और एक एक बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब आपके जीवन में जो होने वाला है इसे देखकर आपके पास पड़ोस के लोग सहन नहीं कर पाएंगे और ऐसे समय में कुछ लोगों की बुरी नजर आपके ऊपर पड़ सकता है। इसलिए किसी की बुरी नजर लगने से पहले ही आपको यह उपाय कर लेना है। उपाय हम बता रहे हैं, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर शनिवार के दिन नींबू और मिर्ची दोनों को एक साथ बांधकर लटका दें और हर शनिवार को एक नया नींबू मिर्च दरवाजे पर लटकाए और पुराना वाला किसी सुनसान या अपने घर के पीछे की तरफ फेंक दें। लोग चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है और आप अपने जीवन में खूब सारा तरक्की करने वाले हो। जी हां दोस्तों, पूरे YouTube पर आपको किसी ने यह बात नहीं बताया होगा और ना ही आपको भक हुआ होगा। अगर आप पहले जान जाते तो आपके जीवन से हर एक परेशानी, हर एक दुख तकलीफ दूर हो गया होता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में ऐसी कोई समस्या आज तक जन्म नहीं लिया है कि जिनका समाधान ना हो, क्योंकि दुनिया में हर बीमारी का इलाज होता है। बस आज की वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा, क्योंकि वीडियो में ही हमने सावधानियां भी बताई हैं, जरूरी उपाय भी तय हैं और खुशखबरी तो है ही, वह भी एक नहीं, कई बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। जी हां, और हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि इस वीडियो को आप अंत तक देख लोगे तो कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं रहेगा, आप जो भी चीज चाहते हैं वह सभी चीज आपके कदमों में होगा। ये सभी बातें हम यूं ही हवा में नहीं कह रहे हैं, इसका फुल प्रमाण भी देंगे जिससे आपको यकीन भी हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपके जीवन की पूरी सच्चाई बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे और छुपे हुए सभी राज एक एक कर खुलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली की पोटली खुल चुकी है।
अब तक हम चुप बैठे थे, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। अब हम वह सच्चाई खोलकर ही रहेंगे और सबके सामने लाकर ही रहेंगे, चाहे मुझे भला कहे या बुरा। आज तो हम सच्चाई बताकर ही रहेंगे। अगर आपके अंदर सच सुनने की क्षमता हो तभी आप वीडियो को देखिएगा, वरना आप यहीं पर वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, आपके साथ नाइंसाफी हो रहा है, लेकिन इससे औरों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग आजकल धीरे धीरे खुदगर्ज होते जा रहे हैं, सेल्फिश बनते जा रहे हैं। लोग यह सोच रहे हैं कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जी हां, यही चीज हर एक इंसान के अंदर पैदा हो रहा है दोस्तों। अपनी लड़ाई खुद ही लड़ना पड़ता है, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। जी हां, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मांगने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत परिश्रम करने वाला इंसान छोड़ देता है। इस कलयुग में उतना भी सीधा मत बनो कि आपकी मेहनत का हक कोई और लेकर चला जाए। आपकी अच्छाई का फायदा सब लोग उठा रहे हैं, इसीलिए आप अपने जीवन में ही परेशान हैं। भगवान आपको देने में कमी नहीं करता है, भगवान आपको बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन कुछ चतुर लोग आपकी हक, आपकी मेहनत का फल लेकर जा रहा है। अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके नसीब में बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो यह भी मौका आपके हाथ से चला जाएगा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर गुप्त खजाने की चाबी हाथ लगेगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किस्मत ने मारी पलटी होगा, बहुत बड़ा चमत्कार, वह भी आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर। आप सभी के जीवन काल में ऐसा बदलाव लेकर आने वाला है, ऐसा मोड़ लेकर आने वाला है। अगर आप इस मोड़ पर संभल गए आसानी से, पर हो गए, तो दोस्तों आपकी जिंदगी पहले जैसी जिंदगी नहीं रहेगी। जी हाँ, कहने का तात्पर्य है कि आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। जी हाँ, जानकारी के लिए बता दें कि आपके बंद किस्मत का ताला खुल चुका है। न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी ने आपके बंद किस्मत के ताले को खोल दिए हैं, जिससे कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप अपने जीवन में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करोगे कि आपको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। जी हां, ऐसा चमत्कारिक घटना पहले कभी भी आपके जीवन में नहीं हुआ होगा, क्योंकि न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी इस समय आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा मेहरबान है, और वह आपके घर आने वाले हैं। आप कूद कूद कर नाचते फिरोगे पूरे गली मोहल्ले में, क्योंकि अंतरिक्ष के बहुत बड़े देवता, बहुत बड़ी शक्ति का शुभ चरण, शुभ कदम आपके घर पड़ चुका है। जी हां, और जैसे ही इस देवता का शुभ कदम आपके घर पर पड़ेगा, सबसे पहले आपके घर के जितने भी नकारात्मक शक्ति हैं, नकारात्मक ग्रह दोष है, बुरी संया, बुरी साया, उन सभी को सर्वनाश कर देंगे ये शक्ति, और आपकी घर को, आपकी जिंदगी को एक नई शुरुआत होगी। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब आपके परिवार में, अब आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होगी, ऐसे ऐसे परिवर्तन होंगे जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, आपने कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। जी हां, क्योंकि कामयाबी ही कुछ ऐसी है, लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। सब लोग यह सोच सोचकर परेशान होगी कि आखिर इन्होंने वह कौन सा काम किया है जो कि रातों रात अमीर बन गए, इतने बड़े आदमी बन गए, आखिर इन्होंने कौन से देवी देवता का पूजा किया, कौन से भगवान को चढ़ावा चढ़ाया। यह सोच सोचकर सब लोग पागल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन कोई समझ नहीं पाएगा दोस्तों, इन सभी का कारण है यह बड़ी शक्ति, जिससे बड़ी शक्ति का चमत्कार आपके जीवन में हो रहा है, जो बड़ी शक्ति आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं, और वह शक्ति कोई और नहीं, सबके साथ न्याय करने वाला, सबके कर्मों का फल देने वाला, और बुरे कर्म करने वालों, पापियों को दंड देने वाला न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी हैं। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है, आपके निवेश पर अच्छा लाभ मिलेगा। किसी भी तरह के विवाद से बचें, आपका स्पष्टीकरण मुद्दों को जटिल ही करेगा। आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, इससे आपको औरों के मुकाबले तरजीह मिलेगी, चाहे आप केवल साधारण रूप से गिटार ही सीखें। आज आपको खांसी और जुकाम हो सकता है, यह अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। यह अपने हाथ खाने से पहले खासकर और वैसे भी कई बार धोएं। यह अगर संभव हो तो आज आराम करें, जिससे आप हो सकने वाली किसी बीमारी की आशंका से बच सकें। आई नियमित और गहरी नींद लेना न भूलें, इससे आपको स्वस्थ रहने में काफी मदद मिलेगी।
फ्लर्ट करने में आपको महारत हासिल है और ये आप आज मिलने वाले हर आदमी के साथ कर सकते हो, लेकिन इसे अधिक न होने दें और खुद को केवल इसकी शारीरिक स्तर तक ही सीमित रखें। भावनात्मक रूप से किसी के साथ न जुड़ें। आपको भी कोई अधिक गंभीरता से नहीं लेगा और आप भी किसी को जरूरत से ज्यादा डिमांड करने की छूट न दें तो अच्छा रहेगा। आप पर अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों जीवन में भारी जिम्मेदारियों का भार है, इसलिए आपको अपने समय का प्रबंधन उचित तरीके से करना होगा। हालांकि आपके सहकर्मी आपकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं अगर आप उनसे सहयोग की मांग करें, लेकिन अधिकता में कुछ न कहे, क्योंकि एक बिंदु से आगे वे आपको न भी कह सकते हैं। आप में भविष्य की योजना बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा रहेगी। आप पिछले कुछ दिनों से काफी व्यस्त दिनचर्या बिता रहे हैं, अब सारी चीजों को व्यवस्थित करने का समय है। आज आपको तुलनात्मक रूप से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन आपको इस समय का उपयोग अपनी सब चीजों को व्यवस्थित करने में लगाना चाहिए, नहीं तो सब कुछ और अधिक उलझता जाएगा और आप स्थिति के नियंत्रण से बाहर होने के कारण और भी अधिक परेशान रहेंगे। आज का दिन अपने लिए कुछ इतिहास करने के लिए बहुत अच्छा है। आप किसी ब्यूटी ट्रीटमेंट या मसाज के लिए जाइए, आपको बहुत अच्छा और खूबसूरत एहसास होगा। आपको अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के बारे में भी कोई शुभ सूचना मिलेगी। आप अपने लिए कई तरह के फिटनेस कार्यक्रम लागू करके यह देख सकते हैं कि आपके शरीर के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है। अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के दौरान कई तरह की एक्टिविटीज करें, जैसे आप साथ में एडवेंचर ट्रिप पर जा सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके पार्टनर को पसंद हो। खासकर अपने पार्टनर के साथ लंच करने के लिए समय जरूर निकालें। शादीशुदा जोड़ों के लिए अपने घर में नए सदस्य के आने के बारे में बात करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। प्रमुख परिवर्तन आज आपके कार्यस्थल पर होने की उम्मीद है। वास्तव में आपके आय अर्जित करने के साधन में परिवर्तन आ सकता है और आप ऐसे कार्य में लिप्त हो सकते हैं जिसको आप करना चाह रहे थे, परंतु आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा अवसर आपको मिल सकता है। आप अपने कार्यस्थल पर नवीन विचारों एवं नए दृष्टिकोण के साथ आ सकते हैं, जिससे सत्ता में बैठे अधिकारी का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा। आज आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने संबंधियों से बात कर सकते हैं। प्यार से बातचीत करें और नम्र बने रहें। अगर आप अभी स्थिति को नहीं संभाल पा रहे हैं तो अभी इसे छोड़ डीएच दें। अगर मूड हल्का करना चाहते हैं तो शाम को किसी समारोह में भाग लें। आध्यात्मिकता और विश्वास पर फोकस करने से आपको सहायता मिलेगी। आज आपकी सेहत काफी हद तक अच्छी रहेगी और वे तकलीफें जो आप पिछले कई दिनों से महसूस कर रहे थे आज खत्म हो जाएंगी। उन तकलीफों के लिए भी सावधानी बरतना आवश्यक है जो आपको आज हो सकती है। अगर आप इनके प्रति लापरवाह रहेंगे तो ये गंभीर समस्याओं में बदल सकती हैं। समय पर इनके समाधान के उपाय कर लेने से आप आसानी से इनसे बच सकते हैं। अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता आपको अपने साथी से दूर ले जा सकती है। इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अपने प्यार को उचित तरीके से अपने साथी के समक्ष प्रकट करें जो कि आपके दिल में है। आपका साथी आपसे प्यार और ध्यान की अपेक्षा करता है। जो जुनून और दीवानगी आपके प्यार में से गायब हो गई थी, वह आपके रिश्ते में फिर से अंकुरित होगी। अपने साथी को अपने प्यार की गहराइयों से अवगत कराएं। आज जहां तक पैसे की बात है तो आपके लिए एक भाग्यशाली दिन है। अगर अतीत में आपने किसी को धन उधार दिया है तो आपको अपने पैसे वापस मिल सकते हैं। आपकी किस्मत चिटफंड या जुए के किसी अन्य रूप में आपको वित्तीय लाभ पहुंचा सकती है। छात्रों का करियर सही दिशा में आगे बढ़ेगा या किसी भी परीक्षा में अगर वे बैठेंगे तो उन्हें अच्छा परिणाम मिलेगा। आपकी अपने पिछले समय में से किसी पुराने व्यक्ति से मिलने की संभावना है और यह व्यक्ति आपके भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सहायता करने और लेने में अपने पूर्वाग्रहों को ऐड्डे न आने दें, इससे आपकी प्रगति के नए रास्ते खुल सकते हैं। अब कोई भी बदलाव नई सफलता ही लाएगा। आज ठंड, जुकाम, वायरल संक्रमण और दूसरी तरह के सभी संक्रमणों से सावधानी पूर्वक बच कर रहें। आप पिछले कुछ समय से प्रदूषित वातावरण में काम कर रहे हैं और इसके दुष्प्रभाव अब सामने आएंगे।
संक्रमणों से बचने के लिए वैकल्पिक उपाय और घर के नुस्खे आजमाएं, इनसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। अब जीवन शैली में बदलाव भी लाभकारी सिद्ध होगा। आप आजकल पहले से भी अधिक आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। आपको ऐसे आदमी भी संपर्क करेंगे जिन लोगों से आपको उम्मीद भी नहीं थी। इससे आपको काफी आश्चर्य होगा, लेकिन उनके बारे में समय लेकर सोचें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा। समय के साथ साथ खुद ही उनका फैसला हो जाएगा। पिछले समय के कड़वे अनुभवों के कारण खुद को बांधे न रखें, खुलकर जिएं। आज का दिन तारीफ और प्रशंसा से भरा रहेगा। आपके बेहतरीन कामों के लिए पुरस्कार भी मिल सकते हैं। आपकी सच के साथ बने रहने की खासियत से आप अपने से प्रतिस्पर्धा करने वाले कई लोगों के रोल मॉडल बन पाएंगे। आज कोई फैसला कार्यान्वित करने से पहले एक बार फिर से सोच लें। आप पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य की एक छोटी सी लेकिन लगातार बनी रहने वाली समस्या से परेशान हो रहे हैं। आज कोई आपकी इस समस्या के लिए आपको कोई वैकल्पिक समाधान सुझाएगा और आप इसे आजमाएंगे। इस बात की काफी संभावना है कि यह तरीका सफल होगा और आपकी वह समस्या दूर हो जाएगी। इससे आप वैकल्पिक चिकित्सा में अच्छा खासा विश्वास करने लगेंगे और आपके मामले में आक्रामक इलाज से कोई विशेष फायदा होने भी नहीं वाला। अगर आप अपने प्रिय साथी के साथ कुछ प्रेम के पल्लों का आनंद लेने का सपना देख रहे थे, तो आज का दिन इसके लिए उपयुक्त है। अपने घर के दायरे में या प्रकृति के कहीं आसपास एक साथ इस दिन का आनंद लें। शीतल प्रकाश, सुगंधित द्रव्य आपके प्रेम की ज्वाला को बढ़ाएंगे। आगे बढ़े, आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आज आपको अपने कार्य क्षेत्र की जटिलताओं से बचने के लिए अपने भूतकाल का ज्ञानम काफी मदद करेगा। आपका व्यावहारिक अनुप्रयोग और जल्दी सोच की क्षमता आपके वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी, जिससे नए और रोमांचक कैरियर के अवसर नजदीक आएंगे। आप इस अवसर को न खोइए और इसका भरपूर उपयोग करें। छोटी छोटी परेशानियां और असहमतियां दिन भर सामने आती रहेंगी। आपको इन छोटी छोटी बातों की उपेक्षा कर देनी है, नहीं तो आप अपनी मानसिक शांति को नष्ट कर लेंगे। अपनी समस्याएं किसी के साथ बांटने की कोशिश करें, आपको अच्छा अनुभव होगा। एकांत की गतिविधियां आज बहुत अच्छी रहेंगी। आपका शारीरिक स्वास्थ्य तो पिछले कुछ समय से अच्छा है, लेकिन मानसिक तनाव बार ऐच रहा है। आपको जल्दी से जल्दी इसका समाधान खोजना चाहिए। करियर संबंधी कुछ बदलाव भी आपको करने चाहिए, नहीं तो इस सारे तनाव का आपकी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ देगा। आप राहत के लिए कुछ तकनीक और व्यायाम अपना सकते हैं। स्वास्थ्यकर भोजन से भी काफी अंतर दिखेगा। अभी पिछले कुछ दिनों में एक दूसरे के लिए आपके प्यार की सभी भावनाएं व्यर्थ की बाधाओं और गलतफहमियों में उलझकर रह गई हैं। आज कोई ऐसी घटना होगी जिससे आपके सारे संदेह मिट जाएंगे और एक दूसरे के लिए आपका सच्चा और गहरा प्यार तथा समर्पण खुलकर सबके सामने आ पाएगा। अपने पार्टनर की तारीफ करना न भूलें। अपनी अंतरतम की भावनाओं को रोमांटिक भाव भंगिमाओं से दिखाने का यह बहुत अच्छा समय है। आज आप अपने आप पर संदेह कर सकते हैं और अपनी खुद की क्षमता को नजरअंदाज कर सकते हैं। यह सब आपके असुरक्षित व्यवहार की वजह से है, जिसे आपको नियंत्रित करना होगा। एक गहरे स्तर पर दूसरों के साथ संदेशों का आदान प्रदान करने का प्रयास करें। इससे न केवल आप उन लोगों के साथ बेहतर संबंध बना सकोगे, बल्कि आप कार्य प्रणाली को भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे और आपको अपनी बहुमूल्य स्थिति के बारे में भी जानने में मदद मिलेगी। आज चलते हुए सावधान रहें, हल्की खरोचें आ सकती हैं। न चाहते हुए भी आप किसी करीबी को बातों बातों में नाराज कर सकते हैं। आज केवल अपने काम से ही मतलब रखना उपयुक्त रहेगा। सिनेमा या किसी और मनोरंजक कार्यकलाप में समय बिता सकते हैं। आज आपकी सेहत अच्छी है, क्योंकि आज आप भावनात्मक रूप से खुश हैं। आप में आत्मविश्वास झलक रहा है। ये भावनात्मक स्थायित्व और खुशी में कोई ऐसी शक्ति होती है कि वह अंदर से बाहर तक राहत देती है। आप सकारात्मकता से भरे हैं। आज कोई महत्वपूर्ण कार्य निबटाने के लिए बहुत अच्छा दिन है। आज सफलता और पहचान मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं। ग्रहों की स्थिति आपकी लव लाइफ के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर मजे करना न भूलें।
आप जहां सोच भी नहीं सकते ऐसी किसी जगह पर आपके लिए डेटिंग और संबंध बनाने का मौका मिल सकता है। इसीलिए आपको अब सभी से मिलने जुलने की जरूरत है। यह समय उस पिछले संबंध को भी आगे बढ़ाने के लिए सही है जिसके बारे में आपके दिमाग में काफी संदेह थे। आज आप अपने संबंधित काम में गंभीर रूप से तनाव से प्रभावित हो सकते हैं। आंतरिक दबाव, आपके सिर चरच कर बोलेगा और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपके पास आवश्यक समय की कमी हो सकती है, लेकिन आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस समय को आसानी से निकालने का प्रयास करें। आपको एक ऐसे व्यक्ति की बात सुननी पड़ सकती है जो कि आपको मिलनसार नहीं लगता, लेकिन व्यावसायिक कारणों के लिए यह आपको करना होगा। आज आप साझेदारी के अंतर्गत घर और ऑफिस दोनों ही में बहुत अच्छा काम करेंगे। यदि अकेले काम करेंगे तो अस्पष्ट और असंभव सी लगने वाली मुसीबतों में फंस सकते हैं। टीम के रूप में काम करने पर ये बाधाएं परेशान नहीं करेंगी। आपसी सहयोग से आज आप किसी भी प्रयास में सफलता हासिल कर पाएंगे। आप आसानी से अपना ध्यान कहीं एक जगह नहीं लगा पाते और इसीलिए ऐसे लोगों की बहुत प्रशंसा करते हैं जो फोकस कर पाने की क्षमता रखते हैं। अब समय आ गया है कि आप भी यह विशेषता सीखकर अपने जीवन में भी कार्यान्वित करें। आपको किसी महत्वपूर्ण काम पर फोकस करने की जिम्मेदारी मिलेगी, इसे हाथ से जाने न दें। सुबह जल्दी उठकर योग करने से भी आपको मदद मिलेगी। आज का दिन आपके कार्य क्षेत्र एवं परिवार के बीच संतुलन रहेगा। पिछले कुछ दिनों से आपको दोनों तरफ काफी ध्यान देना पड़ा है क्योंकि ये समय की जरूरत थी, लेकिन आज ऐसा करने में मुश्किलें आएंगी। हो सकता है कि समय के मुताबिक आपको दोनों में से एक को चुनना पड़ी थी। हालांकि अभी काम के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना अच्छा रहेगा, लेकिन साथ ही साथ अपने परिवार के साथ भी आपको चतुराई एवं विनम्रता से पेश आना होगा ताकि कुछ हद तक संतुलन बने। घर्षण एवं विचारों की असमानता आप और आपके साथी के बीच विकसित होने की संभावना है।